जो आता जाएगा कोई नहीं, आप नीचे से डायरेक्ट बोल और स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर और जनाब कैसे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की कुछ बनाया अभी तो टैबलेट, टैबलेट का मजा आया मीटिंग ज्वाइन होने की कर ले। क्या परचेज कर ली, बैकऑन कर ले, साथ बैठे हुए अभी वो आपके पीछे बैठे उन्होंने अभी लिए अब जो लोग आते जाएंगे मैं उन्हें कैसे देखूंगा कौन कौन आ रहा है। अलाउ कर दी है मैंने, बहुत सारे लोग आए, चाहिए भी एडमिट किया, शारिक को भी एडमिट करते हैं, हसन को भी एडमिट करते हैं। करें स्टार्ट, चल टूल्स में आते हैं। आज हम टूल्स के अंदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो टूल्स पड़े हुए हैं बड़े मजेदार मजेदार हैं, उस पे आज स्टार्ट करते हैं। स्कल्पिंग ब्रशेस के बारे में कोई आपको क्वेश्चन हो तो बताएं। आज मैं आपको ब्रशेस की कार बताऊं, ये तो इस तरह हो रहा है ना आपके साथ, इस तरह करते तो ऊपर गायब हो जाते हैं, पूरे नजर नहीं आते। उसके लिए सी प्रेस करें तो फिर अभी नाम से याद आते, फिर इसका कोई हल करते हैं, इसका कोई हल करते हैं। ये चेंज करते हैं पैटर्न, अलाउ कर दिए जी सारे आ गए, अलाउ रिकॉर्डिंग भी कर दो, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। खैर ये वाली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये यहीं पे हो रही है, मैं आपसे कहूंगा कि रिकॉर्डिंग आपको दे दे, क्योंकि क्लास लेट होगी इसलिए मुझे एक बार शुरू करना है। तो ब्रशेस के बारे में बता रहे थे, ब्रशेस का कोई बताते हैं, कोई हिसाब किताब क्या है, ये नीचे मिल गए आप स्टैंडर्ड। यस आप यहाँ से अपना पैटर्न चेंज कर लीजिए। वो ब्रशेस की स्टाइल और लेआउट देखे ना, यहाँ पे वो ऊपर वाली बार को उठा के यहाँ पे ले आए और यहाँ पे उसने टूल सेटअप दे दी और यहाँ पे ड्रॉ साइज जी इंटेंसिटी बड़े बड़े करके दे दी, जी जेप्थ जी एड, यानी उसने प्लेसमेंट चेंज कर दी और ब्रशेस आपके यहाँ पे दे दी। फर्स्ट कर आपको स्टैंडर्ड भी क्लिक करेंगे आपके पास सारे ब्रशेज आ जाएंगे सारे यहाँ। अब सी प्रेस करें क्ले तो देखे क्ले आ रहा है, बहुत बड़ी मेन्यू हो गई है ना, स्क्रीन से बाहर जा रही है, इसलिए मैंने उसकी एडजस्टमेंट चेंज कर दी। तो आ जाए आपके साथ ब्रशेस की बात करते हैं जी, ब्रश किस तरह डिलीट है, ब्रशेस जो है वो किस तरह आपके सिस्टम के लिए, यानी डॉक्यूमेंट्स पहले नजर इसका रेंज कम करते हैं कि तरह तरह के ब्रशेस आपके मेश के ऊपर किस तरह की स्कल्पिंग करते हैं। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, इसकी एक डिविजन लेता हूँ और देखता हूँ क्ले ब्रश पे हम कैसे काम कर सकते हैं।
अगर मैं क्ले ब्रश से, आप ये बेसिकली क्ले की फील दे रहा है मुझे, इंटेंसिटी दिखाता हूँ कि मैं वैक्यूम यूज कैसे कर रहा हूँ, किसी जगह पे ज्यादा दबाऊंगा और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, और जो एरिया मुझे थोड़ा सा स्मूथ शिफ्ट के साथ करता हूँ, ये मेरे क्ले ब्रश का फंक्शन। इस तरह क्ले ब्रश के साथ मेरे पास और बहुत प्यारे प्यारे ब्रशेज हैं, इसके फंक्शंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। कि सी प्रेस करता हूँ क्ले, क्ले बिल्डअप, क्ले बिल्डअप यूज होता है मसल्स की इंफॉर्मेशन पेंट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक और बड़ी प्यारी ऑप्शन होती है टूल्स के अंदर, ट्रांसफॉर्म में लोकल स्मिट्रिक ट्रांसफॉर्म में आपको मिलेगी, इसे लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इसका फायदा क्या होता है कि जहां पे हम क्लिक करेंगे ना, वो उसी को पूरे मॉडल का जो है ना रोटेशन पॉइंट बना देगा। अब फर्स्ट करें मैं इसे रोटेट करूं तो देखिए उसने शोल्डर भी बनाया, अगर मैं इसके इस एरिया को क्लिक करूं तो देखिए उसने मिड पॉइंट अब यहाँ पे कर दिया, अगर मैं इसके हेड को मिड पॉइंट करूं देखिए हेड से कनेक्ट कर दिया उसने, लोकल स्मिट्री ऑन कर दीजिए। अब क्ले बिल्डअप आपको किस तरह के स्ट्रोक्स देता है, अगर मैंने इसके मसल्स की इंफॉर्मेशन को मजीद इंटरनली पेंट करना हो कि मैं उसकी रेफरेंस वगैरह गाइड वगैरह पेंट करना चाहता हूँ, क्ले बिल्डअप के बाद आपके पास क्ले ट्यूब भी है। इसका प्रेशर आप जितना मर्जी रखें, ये अपनी इंटेंसिटी उतनी ही रखे। क्ले ट्यूब और क्ले ट्यूब, ये जो दूसरा है सी प्रेस कर, क्ले बिल्डअप और क्ले ट्यूब में और क्ले ट्यूब कांस्टेंट में बहुत फर्क है। कांस्टेंट से नाम से शो हो रहा है कि वो उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी जी इंटेंसिटी की वैल्यू। अगर फर्ज करें मैं 9800 कर देता हूँ, देखे अभी उसने उतना ही रखा उसने, इसकी वैल्यू उसने लॉक की हुई है, ऑटो गाड़ी है। इसी तरह यहाँ पे और ब्लॉक वाला मैच पड़ा हुआ। अब आप इन ब्रशेस को घर जाके ट्राई किया करें, मुझे ये बताने नहीं पड़ेंगे ब्लॉक आपको कैसी फील देता है। अक्सर किसी के जिस्म पे अगर छोटे छोटे मसाम या फोड़े वगैरह बनाने हो या इस तरह की चीज करने हो तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। जी करता हूं, और जाते चेजल ब्रश पे। चेजल ब्रश क्या है? चेजल ब्रश पे आपके पास ब्रश की टिप्स हैं। ये ब्रश की टिप देखिए राउंडेड है, ये थोड़ी सी कॉर्नर्ड है, ये ब्रश टिप थोड़ी सी कॉर्नर्ड है मगर राउंडेड है, ये बिल्कुल सॉलिड है, ये तो और बारीक है। तो देखते हैं इन ब्रश का इसके पर ताल्लुक क्या होता है। लाइक अगर हम इसका पहला टाइप लेते हैं चेजल ब्रश की, और पहले ब्रश को हम जरा थोड़ा पेंट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को कम करें, और आपने देखा होगा अक्सर कपड़ों के साइड पे जो सिलाइयां होती हैं, जो गहरे काज होते हैं, वो हम इसी टूल के साथ बनाते हैं। अगर मैं यहां से अपनी टिप चेंज कर दूं, और अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं ये वाला ब्रश ले लूं, अगर मैं ये वाला ब्रश ले लूं, अगर ये लूं, तो बेसिकली पेन का सेट आएगा आपके पास पूरा। ये वाला ब्रश ले लूं, ये वाला ब्रश ले लूं, तो हर ब्रश की जो देखे ना टाइप डिफरेंट है। अब इस ब्रश के अंदर देखे उसने कितना प्यारा आपको दिया है स्कल्प्ट। अगर मैं इसकी डिविजन थोड़ी और बढ़ा दूं, और अब देखू
इसी तरह चेजल ब्रश के आगे मैं आपको एक और ब्रश दिखाता हूँ, क्लिप ब्रशेज आपको बाद में बताऊंगा, क्लिप चले देख ले, क्लिप ब्रशेज मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिप ब्रशेज के लिए बहुत जरूरी है कि आपके ब्रशेज के ऊपर डिविजन ना हो, आपके मेश के ऊपर डिविजन ना हो। मैं डिविजन डिलीट करता हूँ, अब क्लिप ब्रश को लेता हूँ। क्लिप ब्रश के लिए वो कहते हैं शिफ्ट और कंट्रोल ब्रश करें। पहले शिफ्ट और कंट्रोल पे क्या था आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे भी लेसो ले जाता हूँ। फिलहाल अभी आपको शिफ्ट कंट्रोल ऐसे मिलता है ना, अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट इकट्ठा प्रेस करें तो आप उस एरिया को हाइड कर सकते हैं। ऐसे ही इस एरिया को हाइड करना हो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूं, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूं तो वो इनसाइड हिडन हो जाएगा। अगर मैं क्लिप ब्रश की स्टाइल चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूं तो जो मुझे क्लिप ब्रश वहां पे मिल रहे थे, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करूं तो यहाँ पे मेरे पास देखे क्लिप सर्कल, क्लिप सेंटर्ड, क्लिप कर्व, क्लिप रिएक्ट, क्रीज कर्व, लेसो, लेसो रेक्टेंगल, स्लाइस, स्लाइस कर्व, स्लाइस रेक्टेंगल, ट्रिम सर्कल, ट्रिम कर्व। और ये पहले देखते हैं जी ये ट्रिम सर्कल क्या है। वो कहेगा इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करें और साथ क्लिक करें, मुझे कहता हूँ ठीक है। अब कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करते हुए देखें उसे मैं राउंड दे दिए, और अगर मैं इस राउंड को उठा के मिड में लेके आना चाहता हूँ तो उसको स्पेस बार से उठाऊंगा और यहाँ ले आऊंगा। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट छोड़ दिए और यहाँ पे लाके इसको अगर छोड़ूं तो उसकी कटिंग कर दी, उस सारे मैश को काट के उसने उस क्लिप के अंदर कटिंग कर दी। फर्स्ट करें मैं इसके हेड को अगर यहाँ से काटना चाहूँ, मगर उसके साथ ये भी कर दिए कि बकाया सारा मैश उठा के ऊपर चिपका दिया उसको। काफी दफा में मैश कुछ इस तरह क्लिप ब्रश के अंदर आपको सर्कल और कर्व, मैं इस कर्व को बताता हूँ आपको, कर्व कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। क्लिप ब्रश लिया, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया और ये देखिए मुझे एज देना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ से करूँ उसने हाथ काट दिए, मगर फर्स्ट करें मैं उसकी कटिंग जरा थोड़ी सी और तरीके से करना चाहता हूँ। डायनामेश में हम जब चीजें काट रहे होते हैं ना, ये तो हमारा सॉलिड मैश है ना, अगर मैं इसे डायनामेश कर दूँ तो आप देखिएगा डायनामेश कर दो 64 रेजोल्यूशन ब्लर ऑफ करके शिफ्ट उसने कटिंग कर दी वहां से हाथ, और ये हिस्सा हम बाद में उसकी मैनुअल कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट करें हमें जो है ना इसका सिर्फ इतना एरिया काटना है, मगर मेरा जो एज बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है, थोड़ा इस तरह शेप आ रही है। मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूंगा और कंट्रोल और शिफ्ट छोड़ दूंगा और ऑल्ट प्रेस करके इधर ऑल्ट प्रेस करूंगा एक डॉट लग जाएगा, इधर ऑल्ट प्रेस करूंगा एक डॉट लग जाएगा, इधर ऑल्ट प्रेस करूंगा एक डॉट लग जाएगा, इधर ऑल्ट प्रेस करूंगा एक डॉट लग जाएगा। मेरे हाथ कट गया, क्या कह रहे हैं इसी तरह कर्व के अंदर रेक्टेंगल है, नाम से शो हो रहा है कि वो रेक्टेंगल कर देगा उसे। ये हमारे डायनामिश में इस्तेमाल होते हैं जब हम कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, हार्ड सर्फेस की कोई चीज बना रहे होते हैं, बोल्ट बना रहे होते हैं, या हमें बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ब्रश की वजह से ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता है। तो करके दिखाता हूँ मैं ये मेरे यहाँ पे थोड़ा क्ले बिल्डअप से मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा ये मैश बना लेता हूँ। कहता हूँ यार ये बहुत ज्यादा मैश हो गया, अब मैं कहाँ से स्मूथ करता फिरूंगा इसे। मैं कंट्रोल और शिफ्ट लूंगा और यहाँ से अपना ये टूल लूंगा क्लिप कर्व, और इसकी डायरेक्शन जो ब्लैक एरिया है इसका बाहर रखिएगा, और ब्लैक एरिया से मुराद है कि जो इसके बाहर वाले एरिया को बटेगा और जो इधर वाले एरिया को बच जाएगा, वो ब्लैक वाले एरिया जो आप मैंशन कर रहे हैं वो उड़ा देगा उसको। तो हार्ड सरफेस की जो फीलिंग होती है ना, हम इसी टूल के थ्रू बनाते हैं। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे स्लाइस सर्कल है, ये क्या करता है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करें, कुछ भी नहीं कर रहा। कौन आया
ये स्लाइस कर्व जो है ये आपको भी नजर नहीं आएगा, मगर जब तक मैं शिफ्ट एफ ना प्रेस करूं, ये करते ये इतने एरिया को कट करके कलर कर देगा ताकि मेरा ये ग्रुप बन जाए। ग्रुपिंग क्या है? ग्रुपिंग हम करते हैं अक्सर मॉडल की, उसका ये एरिया ग्रुप बना के अलग कर देंगे, ये एरिया ग्रुप बना के अलग कर देंगे, आंखों को अलग कर देंगे, कानों को अलग कर देंगे, ग्रुपिंग करेंगे ताकि बाद में हमें फिर दोबारा कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके कटिंग ना करनी पड़े। हम क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है। फिलहाल कंट्रोल डब्ल्यू ताकि सारे एक ही ग्रुप हो जाए, मगर देखिए उसका फिर भी लाइन और कटिंग एक दे दी है जो मैंने एरिया उसे काटा था। फिर मैं कंट्रोल डब्ल्यू कर दूं तो वो लाइन और कटिंग वहां पे रहेगी। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे स्लाइस कर्व है, मैं अपनी मर्जी से ग्रुपिंग कर सकता हूँ। फर्ज करें कि मैं मेरा पहला ग्रुप जो है वो इतने एरिया के कि मैं हाथ हाथ की ग्रुपिंग अलग करता हूँ ताकि मैं हाथों पे अलग काम करना चाहूँ, इस एरिया का ग्रुप अलग करूंगा, इस एरिया का ग्रुप अलग करूंगा और हेड का ग्रुप इसका अलग कर दूंगा और इस तरह टांगों का ग्रुप इसका अलग कर दूंगा। ये ग्रुपिंग है। मुझे काम करना होगा, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट हाइडो के सामने आ जाएगा, मुझे दोबारा कटिंग नहीं करनी पड़ती। फिर वापस जाते हैं अपने उसी ऑब्जेक्ट की तरफ जो स्टार्टिंग था। ये सिलेक्शन के कर्व टूल है। इसके बाद आपके पास ये देखिए ट्रिम कर्व भी है और ट्रिम सर्कल है। ये नाम से शो हो रहा है कि जहां से मैं करूंगा वहां से उसको उजाड़ देगा। इसके लिए डायनामिक होना पड़ा जरूरी है। उसने उड़ा दिया, उड़ा के वहां पर एक नया मैच दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ से कटिंग कर दूं, उसने उड़ा दी और वहां से मैच नया दे दिया। इससे पहले हम जो यूज कर रहे थे वो था सर्कल क्लिप, ये डिफरेंट है, ट्रिम डिफरेंट है, इसका काम डिफरेंट है और इसका काम डिफरेंट है। ये जब हम हार्ड सरफेस मॉडलिंग कर रहे होंगे ना तब हम इसे यूज करेंगे। इस तरह यहाँ पे ट्रिम, जहां से मर्जी काट ठीक हो गया जी। इन ब्रशेस में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो आपको हो, पता नहीं है, लेसो टूल नॉर्मल वही आ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर सकेंगे। और अगर हम चाहते हैं हम अपनी मर्जी से ग्रुपिंग करें और इन टूल्स को यूज ना करें तो फिर आप क्या करेंगे, लेसो टूल लेंगे कंट्रोल शिफ्ट से और एक रीजन ड्रैग करेंगे और रीजन से अपनी मर्जी से जो है ना वो उसका एरिया निकालेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये जो हाथ है इसका, इसके ये वाले एजेस भी हाइड हो जाए और ये वाले एजेस भी हाइड हो जाए और कितना एरिया नया ग्रुप बना दो। एफ प्रेस करते हैं ताकि जूम ऑल हो जाए और इसकी वो ऑफ कर देते हैं। ग्रिड नहीं चाहिए, ग्रिड 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 काम करें। मैंने अपना सेशन चेंज किया, फ्लोर शिफ्ट भी है, शिफ्ट भी। अब मेरा ऑब्जेक्ट रिटर्न में उसी जगह पड़ा हुआ है जहां पे मैंने उसे हाइड किया। अगर मैं कंट्रोल आई करूं देखिए, यानी एक रीजन ड्रैग करूंगा तो स्वैप कर लो। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस एरिया का मैं अलग ग्रुप करूं तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूंगा, याद रखिए कंट्रोल डब्ल्यू, ग्रुपिंग हो गई, इसको हाइड किया और मैं कहता हूँ जी कि इसके बाद इस एरिया के मैं ग्रुपिंग कर सकूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइड, तो फिर कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा। तो मैं कहूँगा जी हेड हो कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा, उसके बाद टॉर्सो कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा, उसके बाद ये वाला एरिया हो कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा, उसके बाद साइज हो कंट्रोल डब्ल्यू और ये वाला एरिया कंट्रोल डब्ल्यू। अब अगर मुझे हेड पे काम करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूंगा और अपने हेड को कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सामने ले आऊंगा, इस पे स्कल्पिंग शुरू कर दूंगा। तो इस सिलेक्शन के ब्रश में आपको कोई मसला परेशानी हो तो बताएं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू दोबारा प्रेस करते हैं और सारे को एक ग्रुप बना लेते हैं। मैंने अपनी जो सिलेक्शन की हुई थी ना कटिंग बाय कटिंग, उसको सारे को एक कर दिया। और ब्रशेस को देखते हैं जी, सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्लॉथ के नाम से है, क्लॉथ टिम्पल के नाम से है, क्लॉथ बॉल के नाम से है। इनको आप खुद ट्राई करेंगे। अगर मैं बता दूं तो
सोने पे सुहागा बता दो, उस ब्रश के थ्रू जितना जितना था उस एरिया को कपड़े की फील देना शुरू कर दिया, आपके पास बाय डिफॉल्ट पड़े। अब वो बॉडी की फील दे नहीं रहा, वो कपड़े की फील दे, फोल्ड्स पे फोल्ड्स दे ही जाएगा, दे ही जाएगा। ये फोल्ड्स मुझे पहले पेंट करने पड़ते थे, अब ये फोल्ड्स पेंट करने की जरूरत नहीं, आपको एक क्लिक पे मिलेंगे। हम अपने दौर में बड़ी मेहनत किया करते थे इन फोल्ड्स को पेंट करने के लिए, कपड़ों के अगर फोल्ड्स बनाने होते थे जिस तरह ये, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी इनको बनाने के लिए। तो आपके दौर में तो उन्होंने बड़ा आसान कर दिया। इसी तरह आपके पास कुछ ऐसे ब्रशेज हैं जो नीचे पड़े हुए हैं, जिस तरह ये फ्लैटन फोल्ड डेको कर्व, ये आपको दिखाता हूँ डेको कर्व क्या करता है। डेको कर्व क्या करता है, मैं अगर इसके ऊपर ये एक लाइन ड्रॉ करूं और बाद में इस कर्व को खींचूं, तो जो मेरे ब्रश की इंफॉर्मेशन है वो वहां पे दिखाना शुरू हो गया। तो फर्ज करें कि मैंने, अगर आप इस लाइन को खत्म करना चाहते हैं, अगर गलत होगी तो बाहर क्लिक कर दीजिएगा, लाइन खत्म हो जाएगी। ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, Z इंटेंसिटी को छेड़ता हूँ, ये 2 EV है, 12, इस तरह के बड़े मजेदार मजेदार कैलकुलेटेड एजेस जो है ना हम इससे निकाल सकते हैं। अब ये चीज अगर मैंने अपने नॉर्मल ब्रश से बनानी हो तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, स्कल्प्ट करूंगा और बहुत कुछ करता रहूंगा। तो और इसी तरह हमारे पास डेको ब्रश के अलावा यहाँ पे ग्रूम्स के ब्रश है, जब हम इसके बाल बनाएंगे तो उन ग्रूम्स के ब्रश को यूज करेंगे। ये हैच का ब्रश है, ये भी है क्ले की तरह, मगर इसका लुक एंड फील और इसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। ग्रूम ये तो मैश को बिल्कुल खराब कर देगा ना, ये तो मैं शिफ्ट एफ प्रेस करूं, तो अगर मैं यहाँ से कोई ग्रूम का ब्रश ले लूं, फर्स्ट करें ये ले लेता हूँ, ये ग्रूम हेयर बॉल, तो मैश ही खराब कर दिया हमारा। ये हेयर्स के ब्रश हैं, ये सिर्फ हेयर पे चलते हैं, और अगर मुझे हेयर लेना हो फर्स्ट करें कि मैं कहता हूँ जी इसके सर पे जो है ना इतने इतने एरिया पे हेयर्स हैं, सिलेक्शन करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके इसके इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, कहता हूँ यहाँ पे इसके बाल हो गए, शिफ्ट एफ प्रेस करता हूँ यहाँ पे इसके बाल हो गए। इसमें ZBrush के अंदर इसका अपना एक फीचर है, थोड़ा और नीचे फाइबर मैश, आप जैसे ही ऑन करेंगे प्रीव्यू इसके बाल आ गए वहां पे, अगर आप यहां से ओपन करें तो आपके पास बालों के काफी सारे स्टाइल पड़े हैं, यहाँ कोई एक स्टाइल लोड कर लें, वो बालों का स्टाइल इस पे आ रहे हैं, एफ प्रेस करें वो बाद में करेंगे इसकी कटिंग, अभी तो फिलहाल हमें बाल चाहिए। अब अगर उसके मॉडिफायर में जाएंगे तो आप उसके मॉडिफायर को चेंज कर सकते हैं कि बाल आपके कितने होने चाहिए, उसकी लेंथ कितनी हो। हाँ मजेदार मजेदार ब्रशेज है, आगे का सारा काम जो है ना बड़ा मजेदार है, लाइक आप इंजॉय करेंगे। और अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूं तो देखे उसने बाल वहां पे लगा दिए, सब टूल में जाऊं तो ये देखे बाल अलग है और हेयर अलग पड़े। अगर इन बालों को पकड़ूं और इस पे ग्रूम का ब्रश इस्तेमाल करूं एक्सप्रेस करके, तो ये देखे मेरे बालों का मैच खराब नहीं होगा। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे आऊं और अपने ब्रश में बालों का ग्रूम कलर टिप पेंट करने के लिए शिफ्ट एफ प्रेस करके इसको ऑफ करता हूं, ग्रूम लेंथ, आप इन बालों पे भी शिफ्ट प्रेस करके इन्हें स्मूथ कर सकते हैं। और उसके बाद में उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं कि ये बाल यहाँ पे हो। हम इन बालों को भी ग्रुपिंग करते हैं कि ये वाला एरिया बाल का अलग हो जाए, ये वाला एरिया अलग हो जाए, ये वाला एरिया अलग हो जाए, फिर उनको रोटेट करते हैं, रोटेट करके फिर उनकी एक बड़ी लेयर लेयर लेसली लेसली फील बनाते हैं। बकायदा उसी तरह ही करते हैं जिस तरह हमारा एक बार्बर पे एक बंदा नहीं कटिंग कर रहा होता, बिल्कुल वैसे उसकी कटिंग कर रहे होते हैं।
हाँ जी नहीं मैं कलर नहीं करूंगा नहीं, वैसे ही स्कल्प्ट कर रहा हूँ बालों को, मगर देखिए मैं बालों को स्कल्प कर रहा हूँ, बाल खराब नहीं हो रहे जिस तरह हमारा मेश खराब हो रहा था। तो कुछ कुछ ब्रशेज इसमें बालों के, कुछ ब्रशेज इसमें मेश के, और कुछ ब्रशेज इसमें क्लोथ के। बताना मैं ये चाह रहा था, इसके लिए मुझे ये लगाने पड़े। अगर मैं शिफ्ट आर प्रेस करूं तो ये रिटर्न कर देगा सब्जेक्ट को शेडोज के साथ, तो देखें बाल नजर आना शुरू हो गए। इसको मैं डिलीट करता हूं और इसी तरह अपने और ब्रशेस बड़े मजेदार मजेदार यहाँ पे, जिनमें नीचे देखें आई एम अ कर्व, आई एम अ बॉडी पार्ट्स, बेसिक आर्मी कर्व, बहुत सारी इस तरह के और बड़े मजेदार मजेदार ब्रश पड़े हैं। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो देखिए मैं बस यहाँ पे फीचर्स देना शुरू हो जाएगा। मुझे कहता हूँ जी कि अगर मुझे ये वाला फीचर चाहिए इसका, फर्स्ट वन वाला, इन ब्रशेस को ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको इनका पता नहीं लगेगा। फर्ज करेंगे मेरे पास कुछ, मैंने एक ऐसी जैकेट बनाई है जिस जैकेट के साइड पे इस तरह के पाइप्स चल रहे हैं। मैं जितना ब्रश का साइज छोटा करूंगा मेरा पाइप उतना छोटा होता रहेगा, जितना ब्रश का साइज छोटा करूंगा मेरा पाइप उतना छोटा होता रहेगा। और मैं इस पाइप को मूव भी कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो ये पाइप उठा के मैं इसके हेड के पीछे ले आता हूँ यहाँ, और यहाँ पे उसकी फील दे देता हूँ। ये जो है ना पाइप्स, यहाँ पे इसकी कोनी के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये नीचे आ जाए और ये इसकी कोनी के अंदर चला जाए। अक्सर आपने ज़ीब्रा सेंटर पे देखा होगा, उन्होंने बड़े मजेदार मजेदार इस तरह की पाइपिंग की होती है, ब्रशेज यूज की होती है, और बाद में फिर मैन्युअली मूव टूल के साथ इसके लिंक्स को जो है ना वो मजीद यहाँ पे इसका एक बॉक्स बना दूंगा कर्व के लिए, ताकि मैं दिखा सकूँ कि वो किसी चीज के साथ लिंक जुड़ा होगा उसमें। तो खैर हमें ये भी नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बताने के लिए ये होंगे कहते कंट्रोल जी करते अपने मेश के वापस इस जगह पे आते। इसी तरह हमारे पास ब्रशेज में नीचे आई एम एम बॉडी पार्ट्स भी हैं। इस बॉडी पार्ट्स में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कान, आंख, होंठ, हाथ, पाँव, टांगे, और हत्ता के कुत्ते का मुंह भी बड़ा हुआ है, डॉग फेस, वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लगाते हैं जी। अच्छा, इन इनमें से कुछ ब्रशेज को यूज करने के लिए आपके पास डायनामिक होना चाहिए, खासतौर पर जो ये वाले ब्रशेज हैं जिनके अंदर आपको बॉडी पार्ट्स मिलेंगे उसके अंदर आपकी डिविजन नहीं होनी चाहिए। कभी देखिएगा अगर डिवीजन ऑन होगी तो ये नहीं लगेंगे, अब लग जाएगा। डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और उसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ये हमारे करेक्टर की फील ही चेंज होगी। टी प्रेस करते हैं, क्यू, कुछ कीज मुझे खुद भी याद नहीं, क्यू है सर इसकी शॉर्ट की, एडिट की, और क्ले, उसके बाद इस पे स्कल्पिंग शुरू कर दे। डायनामिश के थ्रू आप किस चीज को क्या बना दें, हो सकता है इसके आगे हम हाथी का मुंह लगा देते, ये वो वाला करेक्टर बन जाता। कितना टाइम लगा इस चीज को इस तरह बनाने में, फुल टाइम। मल्टी कर्व्स हैं और यहाँ पे ये एक 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 और बड़ा प्यारा जिसे कहते हैं कर्व स्लैब सरफेस, ये इस्तेमाल होता है से हमने पर वगैरह बनाने हो ना तो हम इस कर्व के थ्रू बनाते हैं।
का वो बना दे। मेरा मैच चूंकि अभी इस हालत में नहीं है कि मैं उसके ऊपर कर सकूँ, मगर अगर हमें इस तरह के पर वगैरह या कोई चीज बनानी होगी या उसका मैच ड्रॉ करना होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिसके थ्रू हम उसके पर भी बना सकते हैं कर्व्स के थ्रू, और बाद में उसको जो है ना पेंट कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये एक दफा बन गया तो उसके बाद में फिर इसको ऑफ करें, कहीं पे भी सिंपल क्लिक करें और क्लियर ब्रश के साथ उसके बस कटिंग शुरू कर दें कि ये वाला हिस्सा उसका जो है वो खत्म वाला है, और यहाँ पे आके बोन खत्म होती है, यहाँ पे एक बोन नीचे जा रही है, इधर से एक बोन नीचे जा रही है, इधर से एक बोन नीचे जा रही है, और अपनी स्कल्पिंग शुरू कर देती है। Preference, initialize ZBrush. तो जो आप लोगों के लिए अभी की असाइनमेंट है वो ये है कि इसके अंदर एक फेस पड़ा है बना बनाया, आपने उसी के अंदर से उसके फीचर्स निकालने हैं ब्रश के थ्रू, आंखें बनानी है, नाक को मिचोर करना है और होंठों को मिचोर करना है। उसके लिए कीबोर्ड से अपनी शॉर्ट की प्रेस कीजिएगा उसके लिए, या आप अपने वापस उसी मेन्यू, वैसे भी लेक्चर खत्म हो गया, मैं आपको वही बताऊंगा कल, मैं आप लोगों के साथ स्कल्पिंग की प्रैक्टिस करूंगा। लाइट बॉक्स ऑनलाइन ऑनलाइन वो सिर्फ स्कल्पिंग है, स्कल्पिंग की प्रैक्टिस करूंगा। यहाँ पे आपके पास एक फेस पड़ा है डेमो हेड, आपने इसे ऑन करना है और इसके ऊपर आपने इसकी आंखें बनानी है, इसके ऊपर आपने इसका नाक बनाना है, इसके होंठ बनाने हैं, इसके कान बनाने हैं। आप ये मुझे सबमिट करेंगे, आप ये मुझे दिखाएंगे तो आगे फर्दर कल यानी आज रात का आपके पास टाइम अगर तो आप लोग ये आज रात मुझे बना के दे देते तो कल फिर सर खतरनाक काम शुरू करते हैं। इन जो ब्रशेस मैंने आपको बताए इन ब्रशेस के साथ हम पूरा पूरा आर्मर ड्रॉ करेंगे। कल तो हमने ऑर्गेनिक मॉडलिंग की थी ना, कल हम हार्ड सर्फेस मॉडलिंग करेंगे, हम इस तरह कैरेक्टर उठाएंगे उसके ऊपर से पैचेस निकालेंगे, उसके आर्मर बनाएंगे, उसके बाइसेप का आर्मर बनाएंगे, इसका आर्मर बनाएंगे, चेस्ट का आर्मर बनाएंगे, एब्स का, थाइस का, और पूरा एक रोबोट बनाएंगे। और उससे पहले आप मुझे इसकी दो आंखें, एक नाक, एक होंठ और कान बना के देंगे, और आज रात का टाइम आपके पास। ब्रश आपके पास है जी क्ले, आपने क्ले ब्रश से बनाना गायब, अगर कहते हैं तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ये जो नीचे ब्रशेस आगे हैं, कोई भी यहाँ से वो चेंज कर ले, यहाँ से इस जगह से चेंज करते रहेंगे तो आ जाए। यहाँ पे आपने इसके हेड शाफ्ट बनाना है, इधर से आपने उसकी आईज निकालनी है ये वाला एरिया, और यहाँ से नोज निकालना है, और यहाँ पे आपने उसके लिप्स बनाना है। तो ये आप मुझे बना के दिखाएंगे तो आगे हम करेंगे। अब आपकी लॉयल्टी का टाइम आ गया कि आपको जो बताया था वो आप कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको होंठ बनाने का तरीका भी बताया था, नाक बनाने का तरीका भी बताया था, आंख बनाने का तरीका आपको ऑनलाइन अगर नहीं मिलता तो मैं आपको बता देता हूँ। आंख बनाने का तरीका बड़ा आसान है, 32। आंख बनाने के लिए सबसे पहले इस एरिया को नेगेटिव स्पेस में लेके जाए, एक हॉल क्रिएट करें जिस तरह आपके स्कल का होता है 64। और हॉल क्रिएट करने के बाद अपर लिड लोअर लिड इस एरिया की कटिंग कर लेते हैं, फिर फ्लोर ऑफ करते हैं। अपर लिड लोअर लिड मैं आपके सामने हाई लोअरेज ही बनाऊंगा, हाईरेज नहीं बनाऊंगा। और टॉप से देखिएगा जो हमने ये बॉटम से देखिएगा जो हमने आईज बनाई है ना, तो वो थोड़ी सी कर्व में इनसाइड जा रही है, तो उनको ठीक करने के लिए मूव टूल से इनको बाहर निकाल दीजिए ताकि वो टॉप से भी राउंडेड दिखे और बॉटम से भी राउंडेड दिखे।
और अगर आपको ये राउंडेड बनाने में मसला हो रहा हो तो सब टूल में जाके क्या करेंगे, अपेंड सफेयर, और इस सफेयर को हम डिफॉर्मेशन में जाके इसका साइज चेंज करेंगे सफेयर। ऑल्ट प्रेस करके मैंने सफेयर पे क्लिक की है, मूव टूल से उठा के आगे। ये मैं आपको बार बार बताता रहूंगा क्योंकि जब तक आपको स्कल्पिंग नहीं आएगी ये गवाह है। मैंने इनका बड़ा दिमाग खाया था स्कल्पिंग के लिए, मुझे कहते थे आप आगे नहीं बताते, कहते मैं तब तक आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे सारी टेक्निकल गुफ्तगू है, तो फिर आपको दोबारा स्कल्पिंग की तरफ ही ले जाऊंगा, फिर सारी टेक्निकल गुफ्तगू बना रहा कर रहा बना रहा, और आप लोग साथ साथ कर रहे हो, तो मुझे जब तक यकीन नहीं ना हो रहा था कि आप लोगों का हाथ नहीं चल पड़ा, मैं उस जगह पे छलांग नहीं मारूंगा। अब आपने एक आंख लगा दी है, इसको ऑल्ट प्रेस करके इस एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसके आंख के इर्द-गिर्द इसको बस राउंडेड कर दें वाला एरिया। और अगर आपके ब्रश के मूव करने से ऊपर वाला एरिया भी हिले तो कंट्रोल प्रेस करके इसको फ्रीज कर दीजिए कि भाई तूने नहीं हिलना, पर लोअर एरिया को अलग से मूव कर लीजिए। इसी तरह इस अंदर आई बॉल को सिलेक्ट करते हैं, सब टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाते हैं हम जी स्क्रिप्ट, जी प्लगइन्स, सब टूल मास्टर, सब टूल मास्टर और मिरर। मिरर में मर्ज इनटू वन सब टूल, कि इन दोनों को एक ही सब टूल में ले आए। हम ओके करेंगे तो दोनों आंखें जो है ना वो एक में ही आ गई। ऑन करके देखेंगे अभी नाइस के अंदर, चाहे आप डेले बना दें इसको, यहाँ से क्ले ब्रश लें अपना दोबारा, यहाँ पे डेले बना दें जो आपको देख रहे थोड़ा स्मूथ कर। अब आप उसकी आंख थोड़ी और अच्छी बना सकेंगे, आईज को सेलेक्ट करें और स्कल्पिंग शुरू कर दें। ये वाला एरिया इसके लिड है, अपर लिड है और ये इसका फोरहेड है और ये इसकी लोअर लिड है और यहाँ पे इसके कान के पास वाली बस। ये याद रखिएगा स्कल्पिंग में अगर आपका कहीं पे हाथ ठहर जाए ना, फर्ज करें कि आपको लगे कि आंख आपकी ठीक नहीं बनी, स्वैप करके होंठ पे आ जाइएगा। फोकस नहीं करना आपने ज्यादा, डिटेल अंदर नहीं घुसना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे यार यहाँ से भी खराब हो रहा है, छोड़ देना है। फर्ज करें मैं ये नाक की वैल्यू यहाँ पे रख के छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी, फिलहाल दूर से देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी क्या क्या खराबी है और वहां वहां पे जाके उसको हल्का हल्का स्मूथ कर दूंगा। काफी दफा दूर करने से आपको ज्यादा फीचर्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो अड़ना नहीं है आपने, अड़ने से मुराद ये कि किसी एक चीज पे ना फोकस नहीं ज्यादा करना, सिर्फ स्कल्पिंग करनी है, खेलना है। जिस तरह का भी देखें, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, जिस तरह का भी रिजल्ट बनता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने बस मुझे रिजल्ट देगा, फर्क नहीं पड़ता। वो मैं देख लूंगा कि किस किस चीज, किस किस बंदे की क्या क्या चीज, कौन कौन सी स्किल ज्यादा अच्छी है और किस किस में क्या क्या खामी है जिसको मैं बता सकता हूँ, मैं उस तरीके से बताना शुरू हो जाऊंगा, आपका हाथ देख के बताना शुरू हो जाऊंगा। आपके हाथ के कर्व्स बहुत अच्छे हैं मगर आप पेंसिल की तरह काम करते हैं, आपके हाथ में सॉफ्टनेस आएगी अभी, तो सॉफ्टनेस बेसिकली मिट्टी को टच करने से आएगी। तो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं प्रोफेशनल क्ले लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, उस प्रोफेशनल क्ले से हम जो है वो अपना हार्ट गंदा करेंगे और स्कल बनाएंगे और बोन्स के छोटे छोटे पैटर्न्स बनाएंगे, कान बनाएंगे, आंख बनाएंगे, लिप्स बनाएंगे। टूल्स में लेता आऊंगा साथ, तो टूल्स आप लोगों को दूंगा, एक दफा कट करके देखिए ये हमने आंखें बना दी उसको। आज इसने यहाँ पे यूज करना कर ले, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग छोड़ के जाते हैं।
जूम किस तरह होता है, क्या शॉर्ट किस है? मतलब इसी तरह जूम करना है, ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया और ऑल्ट छोड़ के ये जूम है। यहाँ ये इधर साइड पे ये जूम टूल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करिए, ये माउस से होता है, इससे कनेक्ट हो गया और ये आर्ट आर्ट को करके यहाँ से ऐसे करोगे ये पैन होगा, और ऑल्ट कोई ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके मूव करोगे ये पैन होगा, और वैसे अगर इसको ऐसे करोगे ऑल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा क्लिक किया है।